माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 1931 में आज के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्प आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक संविधान स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम इन महान सपूतों को की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं।